समाचार के प्रायोजक है गो अमेजिका एम्यूजमेंट पार्क। एंजॉय थ्रिल एंड एक्सप्लोर हैप्पीनेस एट मरवर्ड देवका रोड नानी दमन। होटल श्री गजानन द साउथ इंडियन एक्सलेंट इडली डोसा मेंदू वड़ा एंड लॉट्स ऑफ मोर साउथ इंडियन डिशेस ओनली एट होटल श्री गजानन। मिली इलेक्ट्रॉनिक्स नोबडी केयर एज मच एज मिली इलेक्ट्रॉनिक्स। बुरहानी किड्स सेंटर एक्सक्लूसिव किड्स वेयर एंड बॉर्न बेबी आइटम अंडर वन रूफ। पंजाब के खाने की खुशबू सिर्फ पंजाबी तड़का में। पंजाबी वेज और नॉन वेज के शौकीनों का एकमात्र ठिकाना पंजाबी तड़का। श्री आकार मोटर्स हर तरह के बाइक्स और स्कूटर का सेल्स एंड सर्विस सेंटर। 2 and 3 BHK flats through innovative design, decent planning and unique amenities only at Damania Enclave. जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिक विजिट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का दमन में हो रहा है। 24 तारीख को करीब 12 बजे दमन में लैंड करेंगे और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल रिकॉर्ड है कि छोटी छोटी दो टेरिटरी में 3 बार एक साल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप सबको जानकारी है कि पिछले साल 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी दीव में आए थे और अभी तो और उसके बाद 17 अप्रैल सिलवासा में और तीसरा ये दमन में हैट्रिक जो हो रही है वो दमन में हो रही है। तो बहुत दिनों से इंतजार था लोगों को कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उनका बेस्ट शेड्यूल था जिसमें इलेक्शन थे तो फाइनली अभी फाइनल कंफर्मेशन प्रोग्राम का हो गया है और पूरी तैयारी आप देख रहे होंगे कि जोर शोर से तैयारी है सब जगह पे, चाहे हमारा म्यूनिसिपल एरिया है, काउंसलर्स हैं, अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत हैं, एक एक पंचायत, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री, स्कूल, सब में बहुत जोश है कि प्रधानमंत्री जी का कैसे स्वागत किया जाए। और एक लंबी लिस्ट है प्रोग्राम्स की तो पूरा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है कि डेवलपमेंट हो दमन का और डेवलपमेंट में ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी हो। और जैसा आप जानते हैं बहुत आप में से कि इस छोटे से यूनियन टेरिटरी दमन और दीव में 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पिछले एक साल में हमने प्लान किए हैं और बहुत सारे उसमें से शुरू भी हो गए हैं। तो उनका उद्देश्य न केवल यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, एक अच्छा नया दमन बने, साथ के साथ यहाँ का जो मेजर सेक्टर है टूरिज्म उसको भी बढ़ावा मिले। तो उसकी तरफ पूरा फोकस है कि सारे बीचेस का भी डेवलपमेंट हो जाए। जैसा आप बॉम्बे में या दूसरे शहरों में देखते हैं सीसी के साथ साथ रोड होता है, मरीन ड्राइव है, पर्ल नेकलेस है, वैसे ही हमारा भी दमन में भी चारों तरफ इसी तरह का, चाहे जमतोर है, चाहे चंद्रशरी है, देवता है, सभी बीचेस का भी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्लान है। शुरुआत भी हो गई है, ऐसा नहीं है कि केवल प्लान है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें से जो टेंडर अवार्ड भी हो गए हैं और ग्राउंड पे भी कुछ में काम शुरू हो गया है। चक्रीशरी का आप देखेंगे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, जमपोर वाला भी रोड का जो MDR है उसका काम भी शुरू हो गया है। इसी तरह दीव में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नागवा गोखला बीच का रिडेवलपमेंट और चक्रतीर्थ बीच का रिडेवलपमेंट, तो जितने भी बीच हैं सब पे खास फोकस किया गया दीव में क्योंकि दीव एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और अभी जब हम दीव में गए थे तो फीडबैक लिया था लोगों से, लोकल तो बहुत अच्छा उनका फीडबैक था कि धीरे धीरे हाई एंड टूरिस्ट जो है दीव की तरफ आ रहे हैं। जो पब्लिसिटी हो रही है प्रधानमंत्री जी आए तो पूरे विश्व में दीव का नाम हुआ और बाद में भी जो पब्लिसिटी ड्राइव से काफ़ी जगह जानकारी पहुँची तो लोकल एम्प्लॉयमेंट में, लोकल इकोनॉमी में काफ़ी उसका जो रहा है उसका योगदान रहा है। साथ साथ दूसरा हमारा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो दमन के डेवलपमेंट का है तो उसमें भी फोकस है और उसमें फोकस भी 2-3 तरीके से है। एक तो है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट अच्छे हों, उसके लिए एक नई योजना एडमिनिस्ट्रेशन की है कि अगर हम इंडस्ट्रियल एस्टेट 50% कंट्रीब्यूशन करें तो एडमिनिस्ट्रेशन 50% कंट्रीब्यूशन करेगा।
स्टेट की पूरा रीडेवलपमेंट हो सकता है। ये ओआईडीसी की इंडस्ट्रियल स्टेट में लागू नहीं है, वो तो हम अपनी तरफ से करेंगे, पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट को ये फायदा दिया जाता है ताकि बाहर से भी कोई देखने आए, कोई उनका क्लाइंट आए तो देखे कि अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट है। दूसरा, अभी आपने दो तीन दिन पहले सुना होगा हमारी जो सब्सिडी की पॉलिसी है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलता है। और तीसरा, जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो कि मेन इंडस्ट्री के लिए हैं, उनकी हाउसिंग की और खाने की सुविधा पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया है, तो हाउसिंग का एक पॉलिसी का इसमें लॉन्च होगा जिसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। और साथ साथ में इंडस्ट्रियल हाउसिंग का जो पहला प्रोजेक्ट है ओआईडीसी का, इसकी शुरुआत भी हो गई है, उसका भी शिलान्यास या उद्घाटन होगा। तो एक बार मैं प्रोग्राम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो लैंड करेंगे यहाँ पे कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उनको रिसीव किया जाएगा जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से। उसके बाद वहाँ से फिर प्रधानमंत्री जी विवेकानंद कॉलेज ग्राउंड में पूरा जो सभा का वेन्यू है पब्लिक मीटिंग का, वहाँ पे आएंगे, जिसमें करीब 4-5 मिनट का समय लगेगा। तो पूरा रास्ता उसके लिए पब्लिक ने और सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से तैयार किया है। और विवेकानंद कॉलेज ग्राउंड में फिर ये फंक्शन शुरू होगा। तो शुरू में बहुत सारे फेलिसिटेशन है क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये कोशिश की गई है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हर स्टेक होल्डर को ये मौका मिले कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाए। हालांकि लिमिटेशन रहती हैं, उनके टाइम की लिमिटेशन है, कितने लोग जा सकते हैं उसकी लिमिटेशन है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि पूरा एक रिकॉर्ड होगा कि कितने लोग ऊपर जाते हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कहीं पर भी देश में अलाउ नहीं करते हैं, करीब करीब 100 लोग ऊपर जाके स्वागत करेंगे इसके बाद एक, तो ये बहुत बड़ा मौका उन्होंने दिया है। तो जिसमें ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल MP हैं, MP दादरा नगर हवेली भी हैं उसमें, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम जो कि 12 लोग हैं सब मिला के, वो जाके स्वागत करेंगे। फिर इसी तरह से DMC प्रेसिडेंट और उनकी टीम काउंसलर्स की, जो कि 17 लोग हैं, 15 काउंसलर फिर 2 नॉमिनेटेड काउंसलर। उसके बाद सभी सरपंच जो हैं गाँव के, 11 गाँव हैं तो 11 गाँव के सभी सरपंच हैं, फिर प्रदेश BJP की टीम है। फिर एक बहुत अच्छी शुरुआत हमने की है कि इंडस्ट्रीज ने जिन्होंने CSR में कंट्रीब्यूट किया, तो 3 इंडस्ट्री हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था हमारे स्कूल को रीडेवलपमेंट करने में, प्राइमरी स्कूल और जो आंगनबाड़ी है उनको अच्छा बना के नंदघर का रूप देकर उनको करने में। और एक कौन कौन है सर, 3 है, एक पॉलीकैम्प है, एक एलकैम्प है और एक खेमानी है, और चौथा भी इसमें एक और नाम है जो कि शायद आपको नहीं पता है। चौथा है कि एक जो राजू भाई हैं जिन्होंने जमीन दी यहाँ सड़क बनाने के लिए कोर्ट के चारों तरफ, तो उनको भी ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी प्रधानमंत्री जी से मिले, क्योंकि उन्होंने इतना आउट ऑफ द वे जाके अपनी इतनी कीमती जमीन पब्लिक के लिए लोकार्पण किया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और उससे बाकी लोग को भी हम चाहेंगे कि अच्छे से दमन के विकास में साथ दें ताकि सबको इस तरह से हर फोरम पर रिकग्नाइज किया जा सके। उसके बाद में दमन में जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग भी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। NGOs जो यहाँ के हैं वो भी बहुत सारी संख्या में स्वागत किए जाएंगे, फिशरमैन एसोसिएशन जाएंगी। और दमन मैं मानता हूँ कि एक मिनी इंडिया की तरह है, जहाँ पे कि सभी स्टेट से लोग हैं, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, साउथ इंडिया, तो अलग अलग समाज हैं, उन सभी समाज के रिप्रेजेंटेटिव उनको भी मौका दिया जाएगा। और एक नई चीज़ हो रही है जो कही नहीं थी, कि जो हमारे कॉलेज के टॉपर्स हैं बच्चे, इंजीनियरिंग तो खुला नहीं थी, जो कॉलेज हमारा है गवर्नमेंट कॉलेज और पॉलिटेक्निक है, इनके जो टॉपर बच्चे हैं उनको भी 10 बच्चों को ये मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ जाके उनको का स्वागत करें। तो इसमें 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, तो ये टॉपर सामने से लिखती हैं। तो ये सब फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है। उसके बाद में फॉर्मल वेलकम एड्रेस वगैरह है, और उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स की शुरुआत है प्रोजेक्ट के अलावा। सबसे पहले जैसे ई रिक्शा
की यहाँ शुरुआत हो रही है, उसमें नए परमिट दिए गए हैं, नई ई रिक्शा दिलवाई गई है 20, तो उसके बेनिफिशरी को टोकन दो बेनिफिशरी को ऊपर दिया जाएगा। इसी तरह एक बहुत अच्छी स्कीम जो यहाँ पे दमन में हमने सोची और स्टार्ट भी की, स्वाभिमान करके जो जो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको एक राशन देने की, क्योंकि दमन में और दादरा नगर हवेली में मेल न्यूट्रिशन बहुत है, खासकर दादरा नगर हवेली में ज़्यादा है पर दमन में भी है, और उसके लिए उनको ताकि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़े, उनका बच्चा हो ज़्यादा स्वस्थ रहे, महिला ज़्यादा स्वस्थ रहे, तो उनको 7.5 किलो अलग अलग राशन, जिसमें कि कुकिंग ऑयल है, ग्राउंडनट, मूंगफली है, दाल है, चावल है, गेहूँ है, नमक है, इस तरह की 7-8 चीज़ मिला के 7.5 किलो राशन उनको हर महीने देने की का है। उसका भी प्रधानमंत्री जी कुछ टोकन में देंगे। जो बेटी जन्म महोत्सव हम लोग करते हैं, तो इस बार बहुत फॉर्चुनेटली कि जो बधाई किट हम देते हैं, तो इस बार कुछ हमारी बेटियों को और उनकी माँ और पिताजी को, माओ को बधाई किट प्रधानमंत्री के हाथों से दिया जाएगा। हमारे यहाँ वुमेन को फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके भी कुछ महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम ये देंगे ड्राइविंग। और जो अन्य जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया, 3 रोजगार मेले ऑर्गेनाइज करके करीब 1000 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में दिया गया, उसका भी कुछ टोकन एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और अपॉइंटमेंट लेटर्स, और दिव्यांगजनों के लिए जो एड्स हैं उनको देने का प्रोग्राम है। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होगा, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन, शहरी और ग्रामीण, उसके अलावा स्कूल की छात्राओं को जो हम सरस्वती विद्या योजना में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका शुरुआत इस साल की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो नए बेनिफिशरी हैं उनको देना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो दो प्रधानमंत्री की योजना है, इनके सर्टिफिकेट और इसमें कुछ के बेनिफिट, जैसे किसी को कुछ घटना हो गई और उसको बीमा से पैसा मिलना है तो वो बेनिफिट उसको वहाँ दिया जाएगा। और एक और जो प्रशासन कर रहा है कि यहाँ पे जैसे बहुत शहरों में भी हुआ है कि क्लीन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसी की दिशा में क्लीन ट्रांसपोर्ट में एक तो ई रिक्शा है, दूसरा CNG टैक्सीज हैं, उनकी शुरुआत हो रही है, CNG स्टेशन भी यहाँ खुल गया है, तो CNG टैक्सी परमिट्स दिए जाएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट स्कीम मैंने बताया था, जो कि पूरे देश में पहली है, स्पर्श, जिसका नाम है स्पर्श है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल रेंटल स्मार्ट हाउसिंग। ये स्कीम स्पर्श जो है ये इंडस्ट्रियल लेबर के लिए है, इसमें स्कीम ये है कि हम प्राइवेट को भी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरफ से ये प्रमोट करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेबर के लिए जो आजकल बहुत ही गंदी चौल में या गंदी जगह में या हाइजीनिक जगह में रहते हैं, उनको एक क्वालिटी हाउसिंग मिले। तो क्वालिटी हाउसिंग दो तरीके से इसमें मिलेगी, एक तो सरकार की तरफ से जितना भी हम घर बना पाए YDC से या डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जमीन पर वो हम बना रहे हैं, और दूसरा अगर प्राइवेट आदमी जिसके पास ज़मीन है वो एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है रेंटल हाउसिंग का, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए घर बना के देना चाहता है, तो उसको हम एनकरेज करेंगे और उसको बहुत सारा सुविधा देंगे, जैसे उसको 50% हायर FAR मिलेगा, 50% ज़्यादा ग्राउंड कवरेज मिलेगा, और साथ साथ जो वो किराए पे इंडस्ट्रियल लेबर को रखेगा उसके किराए का 50% सरकार देगी, और वो पैसा लेबर के अकाउंट में जाएगा, मालिक के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो अगर एक लेबर 500 रुपये में रहता है तो 250 रुपये पर मंथ उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब्सिडी मिलेगी और उसको 250 ही पे करना पड़ेगा। आइडिया हमारा ये है कि अच्छे घर बन के आए, जब इस तरह की स्कीम होगी जिसमें सब्सिडी मिल सकती है तो बदले में जो मालिक है मकान का जो बना रहा है उसको एक स्टैंडर्ड हम देंगे कि इतना बड़ा कमरा होना चाहिए, इतना बाथरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, इतनी वेंटिलेशन होना चाहिए, ऐसे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होंगे, पानी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह के कुछ बेसिक पैरामीटर को करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी सारी सुविधा बदले में लेगा, हायर FAR, हायर ग्राउंड कवरेज और 50% रेंट जो कि लेबर को जाएगा। तो इस तरह की स्कीम कहीं भी देश में नहीं है, इस स्कीम की ये शुरुआत या लॉन्च प्रधानमंत्री के हाथों से है।
और इसके अलावा ई रिक्शा पहली सवारी जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी होने के बाद बच्चे और माँ को लेके जाती है घर पे, उसका प्लान रहता है। और बाकी फ्लाइट सर्विस शुरुआत हो रही है, बहुत दिनों से हमें इंतजार था कि दीव और अहमदाबाद के बीच में फ्लाइट कनेक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी हमको देखने को मिलेगा कि 24 तारीख को दीव से अहमदाबाद की पहली फ्लाइट का पीएम फ्लैग ऑफ करेंगे, उसमें यूनियन मिनिस्टर भी कोई डेफिनेटली आएंगे जो दीव से में रहेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी तरह हेलीकॉप्टर सेवा का लॉन्च भी है दमन और दीव के बीच में, और उसका शुरुआत ही बहुत ही हमने सब्सिडाइज प्राइस रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो केवल 2,500 रुपये प्लस टैक्सेस, 5% टैक्स है तो कुल मिला के 2,600 कुछ रुपये होता है, उतने में ही दमन से दीव 1 घंटे में 70 मिनट में आप पहुँच सकते हैं और वैसे ही वापस। इसके भी ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हो गई है टिकट की, पहली फ्लाइट 24 को ही है और उसके बाद डेली ये फ्लाइट चलेगी, तो हमारा आइडिया है कि सुबह करीब 9-9:30 बजे ये गवर्नेंस हेलीकॉप्टर चले यहाँ से और 1.25 घंटे में 70 मिनट में वहाँ पहुँचेगा और 10-15 मिनट के बाद वापस यहाँ के लिए आ जाएगा। उसके लिए बहुत ही अच्छा हेलीपोर्ट हमने बनाया है, आप देखेंगे पुलिस हेडक्वार्टर में इसकी भी शुरुआत होने जा रही है, तो हेलीपोर्ट जो हमको गवर्नेंस ने बोला है कि कहीं भी इतना बढ़िया हेलीपोर्ट नहीं बना है, इतना अच्छा हमारे लोगों ने काम किया है, और साथ में एक टेम्प्रेरी टर्मिनल है जिसमें कि आपका वेटिंग एरिया और सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा, लेकिन उसको बाद में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग उसकी जगह बनेगी। तो ये सब लगभग लगभग प्रोग्राम है जो इवेंट्स होंगे और कार्यक्रम दमन में बहुत हिस्टोरिक विजिट माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है 24 तारीख को और पूरे दमन में बहुत उत्साह है उसको लेके, सब लोग बहुत खुश हैं। इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स का लॉन्च प्रधानमंत्री जी करेंगे जिसमें मुख्य जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, इंडस्ट्रियल हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका शुरुआत होगी, साथ साथ जो दमन के और दीव के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 1,000 करोड़ के, उनका लोकार्पण या उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। कुल मिला के 37 प्रोजेक्ट हैं जिनकी कुल लागत 1,000 करोड़ के करीब। नया क्या मिलेगा खासतौर पे? सब नए हैं इसमें, कोई पुराना नहीं है, खासतौर पे ये दमन दीव का जो है उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, एक और यस बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों की कन्वीनियंस के लिए और जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा का शुरुआत हो रही है, ये दमन से दीव हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस के द्वारा और अहमदाबाद दीव दीव अहमदाबाद फ्लाइट सर्विस एयर उड़ीसा से उड़ान स्कीम के तहत, इसका भी शुरुआत 24 तारीख को ही होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। सर इसका रेट क्या रहेगा? इसका रेट 2,500 रुपये पर पर्सन पर फ्लाइट। बदल रहा है देश, बदल रहा है देश का हर प्रदेश, हर तरफ है उन्नति, हर क्षेत्र में है प्रगति, वैश्विक फलक पर मिली है एक नई पहचान, हो रहा है एक नए भारत का निर्माण, और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाले हमारे देश के दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगतिशील कार्यों से प्रेरित होकर संघ प्रदेश दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल भी समग्र संघ प्रदेश के विकास को नए आयाम दे रहे हैं। एक नए दीव और नए दमन का निर्माण हो रहा है और संघ प्रदेश का सद्भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं दीव और दमन को इस विकास के लिए अभिनंदन देने पधार रहे हैं। 24 फरवरी 2018 को विवेकानंद कॉलेज ग्राउंड नानी दमन। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, an ideal destination for all your corporate and family stays. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो,
बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. For exclusive deluxe, super deluxe and suite rooms with royal ambience. AC restaurant and garden restaurant, ideal for parties and birthday parties. Hygienic, delicious food with quick service. Conference hall, discotheque, party plot. Available. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. Mashal Chowk, Nani Daman. For more details, call 0260-645-6003, 9879-86-9822, 9898-641-020. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. बिजली बचाओ।